अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की रेसिपी है चिकन कॉर्न सूप। तो इसमें सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के गरम करके उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करके। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब इनका पूरा पानी खुश्क हो जाएगा इसको अच्छी तरह चम्मच हिलाते रहें। 5-7 मिनट लगेंगे, उसके बाद ये तकरीबन सॉफ्ट हो जाएगा और इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो जाएगा। उसके बाद ये गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर लें। ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। जब अच्छी तरह ये गार्लिक और ये चिकन अच्छी तरह भून जाए तो उसके बाद हमने इसको जब तक हिलाते रहेंगे, जब तक अच्छी खुशबू आने लगे, उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है बॉयल वाटर। ये कैटल में पानी उबाल दें तो आप इसमें ऐड कर दें उबाल के। तो ये इसमें मैंने ऐड कर लिए। तो ये बहुत ही सिंपल और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बड़े आराम से हर कोई बना सकता है 5 से 7 मिनट के अंदर। उसके बाद हमने ये स्वीट कॉर्न इसमें ऐड करने हैं। ये कोई भी ले लें, फ्रोज़न ले लें या प्रोटीन वाले ले लें, तो कोई से भी, डिपेंड करते हैं आप लोगों के पास कौन से अवेलेबल हैं। आप डाल दें इसमें तकरीबन 1/2 कप। उसको स्वीट कॉर्न डालने के बाद आप इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दें, अच्छी तरह बॉईल हो जाए। फिर इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। उसके बाद थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल देते हैं, तकरीबन 1 टीस्पून। ये भी अपनी चॉइस के हिसाब से आप डाल दें, जितना आपको पसंद है ज़्यादा डाल दें। हल्का स्पाइसी पसंद है थोड़ा सा डाल दें, तो डिपेंड करता है आपकी अपने टेस्ट पे। इसको मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे, जब अच्छी तरह इसमें बॉयल आ जाए। तो आप चेक कर लें कि अच्छी तरह हर चीज़ गल चुकी है, यानी चिकन भी और कॉर्न तो ऑलमोस्ट रेडी होते हैं। और ये इसमें एग डालें थोड़ा थोड़ा करके, बिल्कुल हल्के हल्के डालते रहें और 7 चम्मच हिलाते रहें ताकि उसके वो छोटे छोटे पीसेस बनते रहें। इस तरह बिल्कुल हल्का हल्का ऐड करते रहें। ये तकरीबन 3 एग वाइट हैं, यानी अंडे की 3 सफ़ेदियाँ, सिर्फ जर्दी नहीं डाली, सिर्फ सफ़ेदी डाली है। तो इसमें डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए। तो ये करते करते मैंने पूरे इसमें डाल दिया। अब ये देखें हल्का हल्का गाढ़ा होने लगा है। इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि एग, कॉर्न और चिकन सब आपस में अच्छी तरह मिक्सचर इनका बन जाए, अच्छी तरह इनकी सॉफ्ट हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरह। और ये है कॉर्नफ्लावर, मैंने रूम टेम्परेचर वाटर में थोड़ा सा 2 चम्मच डाल के इसको मैंने रखा है। और इसको भी इसी तरह हल्के हल्के ऐड करते रहेंगे। सिर्फ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने। अगर ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो आप 3 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्वांटिटी के हिसाब से, जितनी सूप बनानी थी उस हिसाब से मैंने 2 टेबलस्पून 1 कप पानी में, रूम टेम्परेचर पानी में
मिक्स करके रखा हुआ था, जो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्के हल्के। और जब आप ऐड करेंगे तो मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहें, नहीं तो वो जम जाएगा सारा। तो ये सूप हमारी रेडी है, अभी हम इसमें डिश आउट करेंगे इसको। तो ये बहुत ही आसान और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, और सर्दियों में तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये चिकन कॉर्न सूप। बच्चे बड़े सब आराम से बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसमें ये चिल्ली सॉस थोड़ी डाल दें, थोड़ा चटपटा टेस्ट आ जाता है इससे। तो इसके बाद अगर आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है, कोई ग्रीन चिल्ली भी डालता है, लेकिन ग्रीन चिल्ली घर में कोई यहाँ नहीं खाता सूप के अंदर स्पेशली, वो कोई नहीं खाता, तो मैंने नहीं ऐड की। तो इसमें साथ मैंने ये थोड़ी सी सोया सॉस, इससे भी थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो ये याद रखें कि आपने सॉल्ट कितना ऐड किया है, तो उसके हिसाब से आपने फिर सोया सॉस भी ऐड करनी है, क्योंकि ये इसमें पहले ये ज़्यादा नमकीन होती है। तो कोशिश करें कि नमक थोड़ा हल्का रखें, जब सोया सॉस डालेंगे तो टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारी सूप आज की चिकन कॉर्न सूप गर्मा गर्म रेडी है, सर्दियों की सौगात है ये। अच्छा तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।